मणिपुर में हुए हादसे के बाद अभी तक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी कड़ी में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए INDIA नाम से बना गठबंधन आज मणिपुर में हुए हादसे पर संसद में काले कपड़े पहनकर आने की बात कहने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि काले कपड़े तो तब पहनते हैं जब कोई स्वर्ग सिधार जाता है। इस नई पार्टी का भी कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, इसलिए ये पहनकर आ रहे हैं। काले कपड़े तो मातम में ही डाले जाते हैं। अब ये जो नई पार्टी बनी है, इसका जन्म लेने के साथ ही कोई ना कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, इसीलिए काले कपड़े डाल के आए। वहीं देश में UCC यानी समान नागरिक संहिता पर कानून आयोग ने लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे हैं और कुछ लोग इसका विरोध पक्ष में हैं। इस पर विज ने कहा कि UCC मतलब सबके लिए समान नागरिक संहिता, सभी धर्मों के लिए अलग अलग ना होकर सरकार के लिए सभी एक है, उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर विज ने कहा कि लोग पैदा ही विरोध करने के लिए होते हैं। कुछ लोग इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हरियाणा में इसे लागू करने के सवाल पर विज ने कहा कि कानून आयोग ने ऑब्जेक्शन मांगे हुए हैं, उसके बाद ही कोई रणनीति बनाई जाएगी। UCC है सबके लिए समान नागरिक संहिता, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग ना होके सरकार के लिए सभी लोग एक हैं, सभी लोग समान हैं, वो उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। नहीं, कुछ लोग तो पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हैं, वो तो दिन चढ़ेगा तो भी विरोध करते हैं, रात हो गई तो भी विरोध करते हैं। अब इसमें किसी को क्या एतराज है कि सबको समान नज़र से देखे सरकार? ये तो ऐसा तो शुरू से माना गया है कि सरकारों के लिए कि सबको समान नज़र से देखे। नहीं, देखिए अभी ये जो कानून आयोग है उसने लोगों के ऑब्जेक्शन मांगे हुए हैं और लोगों के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उनके पास लाखों में ऑब्जेक्शन आए हैं, उन सब पर विचार करके ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी।